आखिरकार वीकेंड के वार पर सलमान खान ने किसकी लगाई क्लास, कौन हो गया घर से बेघर, किसकी बजी बैंड और आखिरकार कैसी रही इन सभी की गेम स्ट्रैटेजीज, पूरी खबर की जानकारी मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सगदा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। वेल गाइस, आप सभी को बता दूं कि जैसा आप सभी जानते हैं कि फ्राइडे को ही वीकेंड का वार शूट हो जाता है, यानी कि आज का एपिसोड शूट हो जाता है। और ऐसे में सलमान खान किसकी लगाने वाले हैं क्लास, किसकी एक्चुअली लगाने वाले हैं क्लास, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट ऑफ द मोमेंट्स रहे हैं। इससे पहले शुरुआत करते हैं एपिसोड्स में क्या कुछ दिखाए गए। जहर का कहर टास्क में बताऊं तो सबको गन्ने के जूस निकालने थे, लेकिन वो मशीन ही खराब थी। करण कुंद्रा वाली जो मशीन थी वो खराब थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं करण कुंद्रा के साथ अनफेयर हो गया। और बाकी जो टाइगर वाले टीम की मशीन थी वो अच्छी थी, सही तरीके से वर्क कर रही थी, वो लोग ने अच्छे से जूस वूस निकाल कर टास्क जीत भी लिया और करण कुंद्रा के साथ थोड़ा अनफेयर हो गया। देखा जाए तो करण कुंद्रा फिलहाल घर में कहीं ना कहीं जंगल वासियों के साथ अकेले हो गए, क्योंकि अभी जो बाकी बचे हुए जंगल वासी हैं उनमें से विधि पांड्या जो हैं वो खाना ही बनाती रहती हैं, इसके अलावा डोनल बिस्ट जो हैं वो फेंकती ही रहती हैं, अपनी बातों को ही सिर्फ एक्सपीरियंस बताती रहती हैं, सिम्बा नागपाल सोते रहते हैं, अफसाना खान चिल्लाती रहती हैं। तो ये बेचारे करण कुंद्रा जो हैं वो कहीं ना कहीं जंगल वासियों के साथ बीच में अकेले घिर गए हैं, अकेले फंस गए हैं। बाकी जो मेन कंटेस्टेंट्स थे जो कि उनके साथ बैठते थे उठते थे वो तो घर के अंदर चले गए, चाहे वो तेजस्वी हो, जय हो, विशाल हो, बाकी जितने भी कंटेस्टेंट्स थे ये सारे घर के अंदर चले गए। अब आपको बता दूं कि यहाँ पर टास्क में आपको जैसा मैंने बताया कि करण कुंद्रा की मशीन ही ख़राब थी जूस वाली, और उस वजह से कहीं ना कहीं अनफेयर हो गया उनके साथ। यहाँ पर शमिता शेट्टी जिन्हें बायस्ड कहा जा रहा है, वो इस रीज़न से कहा जा रहा है क्योंकि बेसिकली गन्ने के जूस को जूस पे लेवल को नापना था, उन्होंने उस झाग के भी लेवल को माप लिया और उन्होंने कहा कि इसके झाग के लेवल ज़्यादा है, इस वजह से ये विनर है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने हक के फैसले लिए थे, उनको अपने अकॉर्डिंगली विशाल की टीम को जितानी थी और उन्होंने वही किया। और इसके अलावा अगर बात करें मायशा और ईशान की तो माय गॉड, ईशान ने क्लियर आउट कर दिया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती मायशा, तुम सिर्फ गेम के लिए मेरे साथ हो, अब मैं समझ गया हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती। ईशान बिल्कुल हाइपर हो गया, गुस्से में आ गया जब ईशान को लगी चोट, ईशान के हाथों से बह रहा था खून और वो चिल्लाने लगा मायशा पे कि मायशा ने उसे ध्यान ही नहीं दिया, कैसे प्यार करती है वो, अगर उसे चोट लगी तो उसे तो पूछना चाहिए था, फर्स्ट एड किट लेकर आकर उसे सही करना चाहिए था। तो यहाँ मायशा पे चीखते चिल्लाते नजर आए ईशान, ईशान और मायशा के बीच क्लैशेस हो गए। उधर से प्रतीक ने थैंकफुली ईशान के लिए वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आए, उनको मरहम पट्टी उनकी लगी, तब जाकर ईशान थोड़े वेल कंट्रोल में आए, नहीं तो ईशान वॉज लाइक कि मायशा सिर्फ मुझे यूज़ कर रही है इस गेम में, वो मेरे लिए कंसर्न ही नहीं है, मुझे चोट लगी, मेरे हाथों से खून बह रहा था। तो आखिरकार टास्क के दौरान जैसे ईशान टास्क कर रहे थे, उन्हें चोट लगने के बावजूद वो फिर भी टास्क में इन्वॉल्व थे, वैसे ही मायशा भी टास्क कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद मायशा और ईशान के ये क्लैशेज हमें देखने को मिले। इसके अलावा आपको बता दूँ कि घर के अंदर फिलहाल अभी वीकेंड के वार की बात करें तो सलमान खान लगाएंगे जमकर वाट अफसाना खान की, क्योंकि अफसाना ने वो तमाम बातें कह दी है, ऐसी वैसी बातें कह दी है जो कहनी नहीं चाहिए थी बेसिकली अफसाना को। अफसाना कहीं ना कहीं एक पार्ट ऑफ डॉली बिंद्रा की तरह दिखती हैं, वो दिखती क्या है, वो है भी। उन्होंने जिस तरीके से डॉली बिंद्रा ने लड़ाई के मामले में एक कहीं ना कहीं रिकॉर्ड सेट किया था, अब उस रिकॉर्ड को तोड़ती भी नज़र आ रही है अफसाना खान। बिग बॉस के घर में अफसाना ने जिस तरीके से तांडव मचा रखा है, सब के सब परेशान हैं। और अब इसका अंजाम ये है कि वीकेंड के वार पर सलमान खान जमकर वाट लगाने वाले हैं अफसाना खान की। इसके अलावा अगर बात करें कौन हो गया इस हफ्ते घर से बेघर, आप यही सोच रहे होंगे और जानने के लिए होंगे काफ़ी एक्साइटेड, तो आपको बता दूं कि इस हफ्ते कोई भी कंटेस्टेंट नहीं होगा घर से बेघर, यानी कि एक भी कंटेस्टेंट नहीं जाएगा घर से बाहर। तो ये है एक गुड न्यूज़, क्योंकि इस बार कोई एविक्शन के शिकार नहीं होने वाले हैं इस बार। वेल दशहरा के मौके पर कहीं ना कहीं
शायद बिग बॉस वाले मेहरबान हैं कंटेस्टेंट्स पर और इस वजह से कोई एविक्शन नहीं होने वाला है, तो कोई भी घर से बेघर नहीं जाने वाला है। सो वेल गाइज, इस खबर पर आपके क्या हैं रिएक्शंस? आपको क्या लगता है कि अफसाना खान जिस तरीके से हरकतें कर रही हैं, सलमान खान उसे जमकर फटकार तो लगाएंगे ही ना? आप क्या कहना चाहेंगे अफसाना खान के गेम स्ट्रैटेजीज को देखकर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको फाइनली फिलहाल बिग बॉस का ये एपिसोड्स। कमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शन ज़रूर शेयर करें। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया से जुड़ी हर एक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।